नमस्कार, मैं हेमंत तोसावर बताना चाहूँगा आज देश में किस तरीके से कानपुर के अंदर दंगा फसाद हुआ और बरेली के अंदर दंगा फसाद की तैयारी चल रही है। एक मुस्लिम समुदाय जो है पूरी तरह भारत में दंगा ही कर रहे हैं, आतंक का नंगा खेल खेल रहे हैं। कारण ये है कि निपुर शर्मा ने जो कहा पैगंबर के लिए, उसने पहली बात तो ये है कि उसने गलत क्या कहा उसने पैगंबर के लिए। दूसरी चीज ये है कि अगर उसने गलत कहा है तो उससे ज़्यादा गलत जो है हिंदुस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय है वो हिंदू देवी देवताओं के साथ गलत कार्य करते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरीके से मस्जिदों हिंदुओं की मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी और आज पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से हिंदुओं के जो मंदिर है, देवी देवता हैं, उसका अपमान किया जा रहा है। तब ये इंटरनेशनल जो मुस्लिम समुदाय के 57 देश है वो क्यों नहीं खड़े होते, क्यों नहीं बोलते, किस लिए नहीं बोलते, क्यों उसके जवान में दही जम जाता है या लकवा लग जाता है उसके जवान में, क्यों नहीं बोलते। लेकिन आज पैगंबर के लिए निपुर शर्मा ने कहा उसका पूरा भारत समर्थन करता है, 100 करोड़ हिंदू जो है भारत के वो पूरा समर्थन करते हैं, सिर्फ भारत के ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी हिंदू हैं वो उसका पूरा समर्थन करते हैं। कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि भारत में रहने वाले ही मुसलमान भारतीयों के हिंदू देवताओं के साथ कैसे गद्दारी करते हैं और किस तरीके की नमक हरामी करते हैं। आपको बताना चाहूँगा ज्ञानवापी के ऊपर वजू खाना बना रखे हैं इन लोगों ने, जहाँ हमारे शिव जी साक्षात विराजमान है, जहाँ हमारे देवी देवताएं विराजमान है, वहाँ पर उन्होंने वजू खाना बना डाला है। वहाँ पर वो हाथ धोते हैं, कुल्ला करते हैं, थूकते हैं और पेशाब करते हैं वो, और कितनी गंदी हरकत करते हैं हमारे हिंदू देवी देवताओं के साथ। यहाँ तक कि जो वारिस पठान है उसने हमारे हिंदू देवताओं के साथ कितनी गंदी और घिरौनी हरकत की, उसको तब तो कोई नहीं बोलता इसका सर से धर अलग कर दो, सर से धर अलग कर दो। अब ये सर से धर अलग करने की बात तो होती है, सर कलम कर दो, ये निपुर शर्मा के लिए बताया जा रहा है। किस तरीके से आतंक का नंगा खेल खेला जा रहा है। भारत की अपनी खुद की लड़ाई अलग है, ब्लैक कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, एसपी हो, टीएमसी हो, कोई भी हो, पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। लेकिन जब बात इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी, जब बात बाहर जाएगी और बाहर के देश अगर भारत के ऊपर उंगली उठाएंगे और आंख दिखाएंगे तो मैं बताना चाहूँगा कि विदेशियों को छोड़ा नहीं जाएगा, भले वो मुस्लिम कंट्री हो या मुसलमान कंट्री हो या पाकिस्तानी जैसे आतंकवादी देश हो या पाकिस्तान का समर्थन करने वाले बांग्लादेशी हो। मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से भारत जब आज़ाद हुआ था 1947 के बाद 20% आबादी जो थी वो पाकिस्तान में थी, किस तरीके से पाकिस्तान में अभी 2.5% आबादी हिंदुओं की हो गई, 20% से 2.5% हो गई, और बांग्लादेश में 22% आबादी हिंदुओं की थी जो घटकर 6% हो गई। ये जवाब देना पड़ेगा, तब इंटरनेशनल लेवल के जो बड़े मसीहा बनते हैं पैगंबर के और इसके, वो कहाँ चले गए जो अभी छाती ठोक ठोक कर बोल रहे हैं कि निपुर शर्मा को फांसी की सजा दी जाए, उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए, वो कहाँ मर गए अभी जब ये बातें जब उठती है। तो पहले उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो हिंदू देवी देवताओं के साथ इतना अपमान, घोर अपमान कर रहे हैं, हिंदू तो सहनशील वाले इंसान है जो सहनशील कर लिया है, पर मुसलमान जो है हर समय दंगा कर रहे हैं। किस तरीके से देखिए, मस्जिद से ही बम बारूद बोतल बम और पत्थर निकाले गए, यानी कि मस्जिद नहीं हुई, मस्जिद एक अड्डा बन चुका है, बम बारूद का अड्डा बन चुका है। तो मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि हर मस्जिद की जांच होनी चाहिए, सीसी कैमरा लगना चाहिए हर मस्जिदों के ऊपर, ताकि वहां पर बम बारूद दंगा फसाद करने के तलवार वगैरह जितने भी रखी गई है तत्काल अरेस्ट करें और उसको जेल खाना फेंके और उसको फांसी की सजा दे। अगर निपुर शर्मा के साथ फांसी की सजा और सर धड़ से अलग करने की बात उठ रही है तो मैं बताना चाहूँगा वजू खाना, जो कि बनारस के अंदर वजू खाना जहाँ देवी देवताएं हमारे विराजमान है, साचा शिवलिंग विराजमान है, वहाँ पर कितने सालों से उनका अपमान कर रहे थे, वो वजू खाना में जो मौलवी मुल्ला बैठा हुआ है उसको उठा के जेल के पीछे फेंका जाए तत्काल। भारत की जनता ये भी अपील करती है कोई भी हालत में किसी को भी बख्शा ना जाए जो भी भारत के देवी देवताओं का अपमान करता है। ये मुस्लिम समुदाय पहली बात तो ये है कि भारत को अपना देश मानते ही नहीं है, ये जो नमाज करते हैं वो सऊदी अरब की तरफ मुंह करके नमाज करते हैं, इससे साफ साफ समझ में आता है कि वो अरब कंट्री को अपना देश मानते हैं। और भारत में रहकर जिस तरीके से उन लोगों ने गद्दारी की, जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद करने की जो इनकी आदत शुरू से बन चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि अगर वो मुस्लिम समुदाय जो है विदेश में, अगर जैसे OVC जैसे AIMI के जो प्रवक्ता है
पठान वाइस पठान वो किस तरीके से 15 मतलब OBC जो बोला है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, 100 करोड़ हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, वो आदमी कहाँ मर गया? उसको तत्काल उठाकर जेल के पीछे फेंकना चाहिए, भले ही कोर्ट ने उसको बरी कर दिया हो, लेकिन फिर से कोर्ट उसकी फाइल खुलनी चाहिए और उठा के जेल के पीछे फेंकना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए इस तरह के लोगों को, जो भारत के अंदर रहकर भारत का विरोध करते हैं और भारत को ही खोखला करने की नीयत करते हैं और हर मैटर पर इंटरनेशनल लेवल पर जाने की बात करते हैं ऐसे लोगों को। मैं बताना चाहूँगा कि हिजाब का जब मुद्दा उठा था, सही मुद्दा उठा था, तलाक का मुद्दा उठा था, सही मुद्दा उठा था, तभी भी इंटरनेशनल प्रेशर रहा। OIC मैं बताना चाहूँगा, उसने भी हर वक्त जो है भारत के हर कार्य में इंटरफेयर करने की कोशिश की, 365 से ये हटा, उसके ऊपर भी जिस तरीके से उन्होंने इंटरफेयर करने की कोशिश की। भारत कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है और अभी जो इन्होंने 3 दिन का अधिवेशन किया था और खुलेआम अधिवेशन में चेतावनी दी थी कि भारत में अगर हिंदुओं को रहना है तो मुसलमानों की हर चीज़, रहन सहन, खान पान और उनका जो मजहब होता है उसको मानो मत मानो, लेकिन भारतीयों को बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। ऐसे लोगों को भी उठाकर, देश के गद्दार हैं, ऐसे लोगों को भी उठाकर जेल के पीछे फेंकना चाहिए। मैं इसी के साथ हेमंत तुसावर हेमंत टीवी चैनल से और नुपुर शर्मा के साथ पूरा भारत खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को ये बोलना चाहूँगा कि आप किस तरह की पार्टी है जो नुपुर शर्मा को जो है दरिंदों के सामने अकेले छोड़ दिए और नुपुर शर्मा के साथ जिस माहौल में खड़ा होना चाहिए वहाँ पर आप अलग हट गए। इसके चलते भारतीय जनता पार्टी और RSS को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और मोहन भागवत ने जो ये कहा कि हम जो है आंदोलन जो किए थे अयोध्या के लिए किए थे, लेकिन अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, मस्जिद मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखेंगे। मैं बताना चाहूँगा, अगर मस्जिद मस्जिद में शिवलिंग देखा जाए तो भारत में ऐसे कई मस्जिद मिल जाएंगे जिसके अंदर पहले भारत भगवान विराजमान थे और अब जो है उन लोगों ने मस्जिद बना दी, वजू खाना बना दिया वहाँ पर। किस तरीके से भारतीय सनातन धर्म का और भारतीय देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ भारतीय देवी देवताओं का अपमान हो रहा है उसको भी वही सजा देनी चाहिए जो ये लोग मांग रहे हैं कि सर धड़ से अलग कर दो, सर धड़ से अलग कर दो। किस तरीके से ये लोग आतंकवाद की भाषा बोल रहे हैं, आतंकवाद की भाषा बोलने के सामने आतंकवाद की ही भाषा बोली जाती है। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर हेमंत टीवी चैनल से।